हो अभी हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बनाने की समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और खास तौर पे जो न्यूरल नेटवर्क की मेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको फॉरवर्ड लूप बैकवर्ड प्रोपेगेशन और ये सारी चीजें बतानी है तो इसको हम बारी बारी देखते हैं। होपफुली आपको समझ आएगी और अगर समझ आती है दैट्स ग्रेट क्योंकि ये एक अनदर वे आपको समझाने के लिए। सो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? कोई शोर वगैरह तो नहीं ना आ रहा आपको? ओके दैट्स ग्रेट। हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क होता है न्यूरल नेटवर्क, अच्छा मेरी तस्वीर सीधी आ रही है, फ्लिप तो नहीं आ रही टेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ कि फ्लिप है, मुझे ये बता दें बस। ओके टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है, ओके दैट्स ग्रेट। जब हम कोई चीज को यहाँ पे लिखते हैं ना न्यूरल नेटवर्क को, तो हमारे पास यहाँ पे तीन किस्म की लेयर्स होती हैं। ये हमारे पास पहली लेयर है जिसको हम इनपुट लेयर कहते हैं, जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है अभी आपके सामने। फिर हमारे पास होती है हिडन लेयर्स, एक दो, ये मैंने दो ये बना दी। और फिर हमारे पास जो है जनाब आउटपुट लेयर है विच इज समथिंग लाइक दिस, या हम दो रख लेते हैं या तीन रख लेते हैं या दो, इट्स अप टू यू। अच्छा अब ये हर एक लेयर दूसरी लेयर के साथ कनेक्टेड होती है लाइक दिस। ये जो है इनपुट लेयर, इनपुट इसे मैं लिख देता हूं, इस लेयर का कनेक्शन कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे लेयर्स के कनेक्शन बनते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे कनेक्शन बनते हैं लेयर्स के, हिडन लेयर्स के साथ। और ये कनेक्शन फर्दर कुछ इस तरीके से इसके साथ बनते हैं लाइक दिस एंड दिस, ठीक है, ये कनेक्शन बनते हैं। और फिर ये फाइनली हमारी आउटपुट के अंदर कनेक्शन चले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। अगर रिग्रेशन है तो एक आउटपुट न्यूरॉन होगा, अगर क्लासिफिकेशन है तो हमारे पास मल्टीपल आउटपुट न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गई आपको? अब इसके अंदर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे जो इनपुट लेयर की जो न्यूरॉन्स हैं, इट शुड बी सिमिलर टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जो एक्स के कॉलम्स हैं, ये न्यूरॉन्स उतने ही होने चाहिए जो एक्स के हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन्स उतने होने चाहिए। अब तीन है तो हमारे पास इसका मतलब है तीन कॉलम्स। अब होता क्या है, यहां पे अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इन तीनों के वेट्स, यानी कि इन तीनों के वेट्स w और इन तीनों की बायस, यानी कि इनकी एरर और इनकी बायस, ये मिल के आगे जाती हैं और इस हिडन न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि W1 है तो X1 का होगा ये वेट, फॉर एग्जाम्पल W1, W2, W3। तो हर एक इनपुट लेबल से स्पेसिफिक क्वांटिटी में वैल्यूज का इंपैक्ट जो आगे जा रहा है उसको हम बोलते हैं वेट्स, और उसके अंदर जो थोड़े से एरर के चांसेस हैं उसे हम बोलते हैं बाइस, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ आ गई, वेट्स और बाइस। अब होता क्या है, जो हमारा एक हिडन लेयर के अंदर न्यूरोन है ना, उसकी शेप कुछ यूं है, और इस हिडन लेयर के न्यूरॉन को दो चीजें मिलकर बनाती हैं, पहली आपकी जी की वैल्यू और दूसरा आपका एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, दो चीजें मिलकर बनाती हैं जी की वैल्यू एंड एक्टिवेशन फंक्शन। जी की वैल्यू कैसे बनती है, आपके जितने भी वेट्स हैं और बाइसिस हैं इन सभी को जमा करके, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू वन बी प्लस W2 बी समथिंग लाइक दिस, आप इनको जमा करते जाएं और एट द एंड आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसकी मैं इक्वेशन लिखूं तो Z इज इक्वल टू समीशन ऑफ W ऑफ ईच फीचर प्लस बाइस, W I फॉर एग्जाम्पल, सॉरी अगर मैं यहाँ पे समीशन लिखूं, समीशन का तो पता ना क्या होता है, मैं ज्यादा मैथमेटिकल नोटेशन इस वजह से नहीं यूज करता कि आपको प्रॉब्लम ना हो, समीशन ऑफ I W of I and then of each variable plus bias। तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे वेट्स को जमा करके उसके अंदर एक bias add कर देते हैं। तो usually इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि हर किसी का वेट आगे लाओ तो एरर को हम एक कॉन्स्टेंट ले लें और एट द एंड जो हमारी bias है जिसे हम एरर कहते हैं, इन सभी को जमा करने के बाद, एक दो तीन, इन तीनों को जमा करने के बाद इसके अंदर एक कलेक्टिव एरर एड कर दें कि हो सकता है हमसे गलती हुई हो कोई बायसनेस के हिसाब से।
फिर यही चीज एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, इस एक वैल्यू को जो लीनियर वैल्यू हमें देता है, यानी कि जारी बात है इसका 3 है 4 है 5 है, जब इनको जमा किया जाएगा, बीच में एरर जमा की जाएगी, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, उसको एक्टिवेशन फंक्शन एक रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। रेलू है तो वो अपने तरीके से करेगा, बाकी अपने तरीके से करेंगे। तो जब हमारे पास ये एक्टिवेशन फंक्शन हमको यूज करते हैं, वो इस वैल्यू को कन्वर्ट करके आगे लेके जाता है। अगर हम यहाँ पे रेलू कर रहे हैं ना, तो अब रेलू की आउटपुट यहाँ पे जानी अगली लेयर में, ठीक है, विच इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। और फिर एट द एंड अगर आपका आउटपुट फंक्शन है, तो यहां से आउटपुट फंक्शन के अंदर, आउटपुट न्यूरॉन के अंदर आपकी यहां से फाइनल वैल्यू जानी है। और फिर अगर आपका आउटपुट न्यूरॉन लाइट अप करता है और इसके अंदर कोई आपका प्रॉपर क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम चल रहा है या रिग्रेशन का चल रहा है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज फाइनल आती है। जब एक दफा, अब मैं आपको समझाता हूं होता क्या है इसके अंदर, यहां तक आपको समझ आ गई होगी, जब एक दफा यहां से वेट्स आगे गए और आपकी आउटपुट आ गई, इस एक प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। पीछे इनपुट से लेके आउटपुट जब तक जो आप जाते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, मैं इसको फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। और क्या होता है, जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, इस वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। जब वो कंपैरिजन होता है, उसकी बेस पे हमारे पास लॉस और एक्यूरेसी कैलकुलेट की जाती है। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा यार इसमें कोई प्लस माइनस इसके चांसेस हैं, वापस जाओ और कुछ चीजों को एल्गोरिथम के अंदर सेट करो ताकि आपकी आउटपुट बेहतर हो। इसको बोलते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन मिलके एक प्रॉपर इटरेशन बनाती है। एक ईपॉक के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन चलती है, फॉरवर्ड से लेके बैकवर्ड प्रोपेगेशन, और फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड एक दफा जब चलता है, इसको बोलते हैं वन इटरेशन, एक इटरेशन। अब होता क्या, ये जो बैकवर्ड प्रोपेगेशन आई है ना, यहां पे आपका लॉस फंक्शन है चल रहा, जो बताता है कि ये अभी भी लॉस इतना है। यहां पे आके आपका ऑप्टिमाइजर चलेगा, जो कहेगा, गेस करेगा, अच्छा लॉस इतना है, चलो हम कुछ और करके देखते हैं। वो कुछ और क्या है, वो इन वेट्स और बाइसेस के अंदर चेंज है। ये जो वेट्स और बाइसेस पहले एक दफा रेंडमली चलाए थे, उसके अंदर कुछ प्लस माइनसेस होती हैं, फिर दोबारा से अगला ईपॉक चलता है, फिर बैकवर्ड प्रोपेगेशन, फिर अगला ईपॉक, फिर बैकवर्ड प्रोपेगेशन, वेट्स एंड बाइसेस सेट, फिर अगला ईपॉक। तो आपकी जो हर दफा चेंज आती है, वो वेट्स और बाइसेस के अंदर आती है। वेट्स और बाइसेस सेम वही चीज है जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स देखा था, उन्हीं को हम कहते हैं। सो बाय द वे, ये जो वेट्स एंड बाइसेस है, जब आप इसको बार बार चेंज कर रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं या गेस करके बता रहे हैं, उसको हम ऑप्टिमाइजर बोलते हैं। जो हमें ये बता रहा है, नहीं नहीं अभी भी मसला है, उसको हम लॉस फंक्शन बोलते हैं, जो हमें लॉस कैलकुलेट करके बताता है बाय मेजरिंग द ओरिजिनल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू। और जब हमारा रिक्वायर्ड लॉस पूरा हो जाता है, यानी कि हम चाहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की है, एट दैट टाइम वी कैन से कि अब हमारा मॉडल ट्रेन है। एंड दिस इज हाउ द होल आइडिया अबाउट प्रोसेस लर्निंग, या आप कह लेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये काम करता है। ठीक है, होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि बैकवर्ड प्रोपेगेशन क्या है, फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से वेट्स एंड बाइसेस होती है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। कि आप यहाँ पे लिख दो 300 ईपॉक्स चलाओ, जब मिनिमम पॉसिबल लॉस हमारे पास आ जाए वहां पे रोक दो। तो 152 पे है, तो इसका मतलब 152 तक हमारे ईपॉक्स चल पड़े हैं और हमारे पास बेस्ट पॉसिबल आउटकम आ चुकी है। समझ आ गई आपको? अब आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। होपफुली आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट। तो क्योंकि ये समझाना आप लोगों को जरूरी था, रीजन ये है कि कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट अभी तक इतने क्लियर नहीं है, उनको अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं और क्यों एक्टिवेशन फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। एंड होपफुली ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन है, ईपॉक्स हैं, आपके कॉल बैक फंक्शन है, इन सभी के मसले मसाइल अब आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है।